हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से क्रस्ट मेंटल और कोर में धरती बटी हुई थी और किस तरह से हमने सिस्मिक वेव्स का प्रयोग करते हुए उन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। अब क्रस्ट के ऊपर जितने भी रिलीफ होते हैं, जितने भी बनावट होती है, जो भी संरचनाएं होती हैं, वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में होती है, इस फेनोमिनन को जानने के लिए आइसोस्टेसी वो फेनोमिनन है जिससे हम जानते हैं। चलिए देखते हैं आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी के एटिमोलॉजी को देखा जाए तो आइसोस्टेसी आइसो वर्ड से बना है, आइसो इंग्लिश वर्ड है जैसे लिया गया, जिसका मतलब होता है इक्वल, और स्टेसिस जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेशन, मतलब इक्वल स्टेशन, और इससे जो मिल करके वर्ड बनता है वो आइसोस्टेसी जिसका मतलब होता है टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब आइसोस्टेसी के डिफिनीशन को देखा जाए तो ये जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है, उस अर्थ पे उस जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है जो सरफेस के नीचे से जो भी रॉक मटेरियल होते हैं और उस रॉक मटेरियल के फ्लो की वजह से जो भी ग्रेविटेटिव स्ट्रेस होते हैं वो किस तरह से जनरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, यही आइसोस्टेसी होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आइसोस्टेसी की बात की जाए तो वो प्रेशर जो चारों तरफ से समान मात्रा में किसी बिंदु के परिता या अराउंड लगता है उसको आइसोस्टेसी बोलते हैं। अब आइसोस्टेसी के कंसेप्चुअलाइजेशन को देखा जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले आइसोस्टेसिस टर्म 1889 में क्लारेंस डटन द्वारा दिया गया, और क्लारेंस डटन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। फिर ला कंडामाइन आए थे, ला कंडामाइन ने शेप ऑफ अर्थ पे बताया था कि ये ऑब्लिट स्फेरॉइड शेप का होता है, और लेकिन इनके साथ ये दिक्कत है कि इन्होंने माउंटेन के कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया था, और पियरे बाउजर ने ग्रेविटी एनोमैली को खोजा था, पर ग्रेविटी एनोमैली में कुछ मिस्टेक्स थे, कुछ एनोमैली थी, उस एनोमैली को ठीक करने के फार्मूला उन्होंने दिया था, करेक्शन का फार्मूला दिया था, और इन्होंने पहली बार कंपनसेशन के कंसेप्ट को इंडिकेट किया था। लेकिन बॉसवेरस वो पहले थे जिन्होंने आइसोस्टेसी या कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन को प्रोपाउंड किया था। 1830 में जब पूरे धरती को, पूरे अर्थ को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांटने की बात चल रही थी, तो 1830 में जियोडेटिक रेफरेंस डेटम के निर्धारण की बात चल रही थी, और ये उस समय के सर्वेयर जनरल थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट को ये बोला गया कि जियोडेटिक रेफरेंस डेटम बनाना है। उन्होंने एक डेटम लाइन तय करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था किए, और पहले ये जानना जरूरी है कि वो डेटम क्या होता है। डेटम कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से मेजरमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ का। अब सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्होंने एक टीम बुलाई और टीम से मेजरमेंट करने की बात की, तो दो स्थान लिए गए, कल्याणपुर जो अभी पाकिस्तान में है और एक कल्याणपुर। अब जो प्रोसेस था मेजरमेंट का उसको देखते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या था। इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड लिया था और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल मेथड लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड के थ्रू जब इन्होंने सर्च करने की कोशिश की तो कल्याणपुर और दूसरा कल्याणपुर और कल्याण के बीच की दूरी नापनी थी। इसके लिए उन्होंने एक पेंडुलम वहाँ पे डाउन किया, और इसके बीच दूरी नापने का जब प्रोसेस शुरू कर रहे थे तो उनका जो पेंडुलम था वो एक तरफ उसमें अट्रैक्शन खिंचाव हो रहा था। जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये हिमालय की वजह से ये खिंचाव है। एस्ट्रोनॉमिकल मेथड में भी उन्होंने देखा, अब एस्ट्रोनॉमिकल मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में एक चीज़ आ गई। एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से जो रिजल्ट आया था और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से जो रिजल्ट आया था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस कितने का था, 5.236 सेकेंड का था। अब ये बात आ गई कि ये डिफरेंस क्यों है, तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर से पता लगाया गया, पूछा गया कि उनके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज एयरी, फिर उसके बाद से जॉन प्रॉट, ये हैफर्ड, जॉली, वेनिंगमेंसिस, बोवी और हिस्कैनन ने अपनी अपनी अलग अलग मत प्रस्तुत किए। अब जॉर्ज एयरी का देखते हैं।
जॉर्ज एरी, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज बिडेल एरी, और इन्होंने, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और 1835 से लेकर 1881 तक एस्ट्रोनॉमर रॉयल थे। इन्होंने, इनका एक विशेष काम था कि इन्होंने अर्थ के डेंसिटी को मेज़र किया था। तो इनसे जब पूछा गया कि ये मामला क्या है, क्यों ऐसा खिंचाव हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अपने एजम्पशन दिए, और उस एजम्पशन में ये बताया कि सियाल जो है वो सीमा पर फ्लोट कर रहा है, ये सियाल ऐसे फ्लोट कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि हिमालय उस सियाल पर खड़ा है, और अगर इस थ्योरी को अकॉर्डिंग लॉ ऑफ बायंसी से देखा जाए तो कोई भी एक बर्तन जिसमें पानी या कुछ भी भरा हो, एक आइस क्यूब उसमें डालने पर उसका 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है जबकि 9/10 हिस्सा डूबा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जो पानी होता है उसकी डेंसिटी अलग होती है और जो आइस होता है उसकी डेंसिटी अलग होती है। इसी चीज़ को अगर थ्योरी में कन्वर्ट किया जाए, अगर जॉर्ज एरी के प्रिंसिपल पे अगर देखा जाए, तो कोई भी इरेक्टेड ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे कि हिमालय, तो वो इसी तरह का बिहेव करता है। उन्होंने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है उसकी डेंसिटी 2.67 है, और इसमें से एक पार्ट, मतलब उस पूरे हिमालय का एक पार्ट ही ऊपर दिख रहा है, 9 पार्ट सबमर्ज्ड है इसका। और इसके बारे में ये बताया कि, और ये जो वर्किंग है, अगर ग्रेविटेशन का देखा जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्किंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये कोई भी इरेक्टेड ऑब्जेक्ट या कॉलम खड़ा कैसे रहता है, तो ये बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रोट में अगर लॉन्ग एंड लाइट मटेरियल होते हैं, लंबे भी होते हैं और हल्के भी होते हैं, लेकिन वो इतनी मात्रा में होते हैं कि नीचे तक फैले होते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को बैलेंस करते रहते हैं। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हायर द लेंथ अबव सरफेस, लोअर द रूट अंडर सबस्ट्रेटम। और उन्होंने बताया कि जितना चीज़, कोई भी कॉलम का जो भाग ऊपर दिखता है उससे उतना ही भाग नीचे धंसा रहता है, अलग अलग कॉलम करके इन्होंने दिखाया, और एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट वो इसी तरह का था। अब जब ये जॉन प्राट से पूछा गया, जॉन प्राट के बारे में पहले जानते हैं, जॉन प्राट एक ब्रिटिश क्लर्जीमैन थे, एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। जब उनसे अप्रोच किया गया, सर्वेयर जनरल ने उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने हिमालय के उस प्लम लाइन के बारे में, उसका अट्रैक्शन क्यों हो रहा है इसके बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि कुछ अपने अलग से थ्योरी दिए। उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो 2.75 है, चूँकि हिमालय उसी पे खड़ा है इसलिए उसकी भी डेंसिटी सेम है। और इसका डिफरेंस जो है 5.236 वो उतना ही नहीं है बल्कि 15.885 है। अब दूसरा एजम्पशन इन्होंने दिया कि डेंसिटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे ज़्यादा माउंटेन की, सबसे कम डेंसिटी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम माउंटेन की होती है, फिर प्लेट्यू की होती है, फिर सी फ्लोर की होती है, और फिर तो इनको, इन्होंने एक निष्कर्ष, ये एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो हाइट होता है वो डेंसिटी के अपोजिट होता है, यहाँ सॉरी है, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, इस तरह से दिखाया गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जॉन प्राट ने कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन को प्रोपाउंड किया। उन्होंने बोला कि ये जो भी कॉलम होते हैं और वो इरेक्टेड होते हैं, तो वो लिथोस्फेयर में इरेक्टेड होते हैं, पायरोस्फेयर और बैरिस्फेयर तक उनकी पहुंच नहीं होती है, और ये एक जो लाइन दिख रही है वो लाइन ऑफ कंपनसेशन है, क्योंकि वहाँ पर सबका वेट बराबर होता है, और डेंसिटी की बात की जाए तो सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इसकी डेंसिटी 5, दूसरे की 4, तीसरे की 2, चौथे की 6 और लास्ट वाले की 8। तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो जोन ऑफ इक्वल मास है, वहाँ पे इक्वल डेंसिटी होती है, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेराइंग डेंसिटी, इनका ये तीसरा एजम्पशन था, मतलब कि सब की गहराई एक जगह पर एक समान होती है लेकिन उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और उन्होंने कहा
कि अगर कोई चीज़ जितनी लंबी है तो उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है, जबकि कोई चीज़ अगर छोटी है पतली है तो उसकी डेंसिटी अधिक होती है। जॉन प्राट के स्टेटमेंट का जो भी था उसका मतलब ये था कि ग्रेविटेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और ग्रेविटेशन जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, और मास उस कॉलम का मास जिस पे ग्रेविटेशन डिपेंड करता है वो उसको बताता है कि वो कितना काम करता है, और ये मास जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है किसी भी कॉलम में, इसलिए जो हाईएस्ट कॉलम है वो उतना अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जो मटेरियल है उसमें उतना डेंस नहीं है, और चूंकि ग्रेविटेशन लो है इसलिए उसकी डेंसिटी भी लो है। अब बोवी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कुछ और बातें कही, बोले कि प्राट जो है इस बात प्राट का बिलीव अलग है, प्राट जो है लॉ ऑफ बायंसी में बिलीव नहीं करते, लेकिन उनके प्रिंसिपल में इसका रिफ्लेक्शन दिखता है, और प्राट जो है रूट फॉर्मेशन की बात करते हैं। उन्होंने एयरी और प्राट के थ्योरी का एक कंपैरिजन प्रेजेंट किया अपनी बुक में। उन्होंने बोला कि एयरी जो भी बात कहे हैं वो उनका कहना है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, मतलब कि थिकनेस बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी थिकनेस अलग अलग थिकनेस के साथ डेंसिटी अलग अलग होती है, जबकि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेराइंग डेंसिटी, ये प्राट का कहना है। तो प्राट का ये मानना है कि डेप्थ तो एक ही होता है पर डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। अब बोवी और हैफोर्ड ने मिल करके एक प्रिंसिपल दिया था, बोला था एक क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे आगे का जोन मतलब कोर, सारे मटेरियल इस तरह से जो भी इरेक्टेड मटेरियल है मतलब कोई भी पहाड़ या पर्वत तो इस तरह से खड़े हैं, अलग अलग डेंसिटी के हैं, किसी की डेंसिटी 3, किसी की 4, किसी की 5, इसकी भी 5, और मेंटल और नीचे वाले जोन के बीच एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे जो कंपनसेशन लाइन है और वहाँ पे सबका वेट इक्वल होता है, और ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है वो लगभग 100 किलोमीटर पे है। जब जॉली से ये बात पूछी गई तो उन्होंने सेम चीज़ बताई कि एक क्रस्ट है और रॉक अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, इरेक्टेड होते हैं, लेकिन जो डेंसिटी है वो सबकी अलग अलग होती है, और किसी की डेंसिटी 3, किसी की 4, किसी की 5 और इसकी 5, लेकिन जो बोवी और हैफर्ड ने जिस लाइन ऑफ कंपनसेशन की बात की थी वो एक्चुअल ना होकर के वो 10 क्रस्ट से 10 किलोमीटर नीचे ही होती है, और 10 किलोमीटर अंदर होती है और 10 किलोमीटर चौड़ी होती है, वहाँ पे सबका वेट बराबर होता है क्योंकि उसके नीचे इंटरनल फोर्सेस इतने तगड़े होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी चीज़ को रहने ही नहीं देंगे। फिर आर्थर होम्स से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पहाड़ के नीचे का जो लेयर होता है मेंटल का या क्रस्ट का जो भी लेयर होता है वो 40 किलोमीटर के आसपास है मान लीजिए कि, और उसके नीचे 10 जो प्लेट्यू है पठार है उसके नीचे 10 से 12 किलोमीटर, और जो सी सरफेस है उसके नीचे 2 से 3 किलोमीटर। अगर पहाड़ों के नीचे की बात की जाए तो उसकी डेंसिटी कम है क्योंकि वो उसकी मोटाई, उस लेयर की मोटाई, सबस्ट्रेटम की मोटाई ज़्यादा है। प्लेट्यू के नीचे जो सबस्ट्रेटम है उसकी मोटाई 10 से 12 किलोमीटर ही है, पतला है, लेकिन इसकी डेंसिटी 4 है मतलब अधिक है। सी सरफेस, सी फ्लोर है, सी फ्लोर के नीचे का जो सबस्ट्रेटम है वो 2 से 3 किलोमीटर ही होता है, कहीं कहीं पर तो नहीं होता है लेकिन उसकी डेंसिटी 6 है। तो इस तरह से आर्थर होम्स का ये बोलना था। आर्थर होम्स का ये कहना था कि जो भी मोटाई होती है वो अगर मोटाई बढ़ती जाती है सबस्टेटम की तो उसकी डेंसिटी घटती जाती है, और अगर मोटाई घटती जाती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब हिस्कैनन से ये बात पूछी गई तो हिस्कैनन का ये जम्सन था, उन्होंने एयरी और प्राट के बातों को मिला दिया। हिस्कैनन ने कुछ बात इस तरह से कही कि उन्होंने 1933 में इस कॉन्सेप्ट को दिया, और उन्होंने बताया कि जो भी कॉलम्स होते हैं उसकी डेंसिटी, उसमें जो रॉक्स होते हैं उसकी डेंसिटी वैरी करती है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेंसिटी,
तो उन्होंने इस तरह से कहा कि क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर और इनर कोर, इसके ऊपर जो भी पर्वत, पहाड़, शिखर जो भी हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो और डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग होती है। तो अर्थ का क्रस्ट भी वेरी करता है अलग अलग। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊंचाई बढ़ती है तो डेंसिटी घटती जाती है, और ऊंचाई अगर उसकी कम होती है तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। वेनिंग मैनसेस फ्लेक्सुरल आइसोस्टेसी को लेकर क्या है, उनका ये मानना था कि जो भी लेथोस्फियर का फ्लेक्सर होता है वो क्यों होता है, उनसे ये बात पूछी गई थी। तो उन्होंने बताया कि जो भी लेथोस्फियर होता है अगर किसी भी प्रकार का उस पर डिपोजिशन होता है, चाहे वो ओरिजिन की वजह से हो, ग्लेशिएशन की वजह से हो, या कोई भी ऐसा मलबा हो, तो उस पर अगर डिपोजिशन होता रहता है उसमें एक बैंड आता है। ये चीज़ वो तब पाए जब स्कैंडिनेविया में अपलिफ्टमेंट का जांच कर रहे थे, तब जब वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आइस थी और आइस का रिमूवल हो गया था। इन्होंने अपनी थ्योरी को बताते हुए इस तरह से कहा कि अगर कोई लेयर है, अगर कोई लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के ऊपर एक बड़ा सा डिपोजिशन है, तो अगर डिपोजिशन बढ़ता जाएगा तो इसमें बैंड आ जाएगा, वो बैंड धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है। अगर आइसोस्टेसी को देखा जाए सरफेस पर, तो आइसोस्टेसी एब्सोल्यूट नहीं होती, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ये रीजनल वर्सेस लोकल में भी होते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। आइसोस्टेसी कभी वाइड एरिया में एग्जिस्ट करती है, लोकल एरिया में बहुत कम होती है। अगर इसके वर्किंग प्रोसेस को देखा जाए तो कुछ इस तरह से है कि मेंटल क्रस्ट और इसके ऊपर जो पर्वत शिखर होते हैं, और यहाँ पे सी फ्लोर है या सी सरफेस है, एक्सोजेनिक फोर्सेस लगातार काम करते रहते हैं, इससे इरोजन होता रहता है, और जो भी इरोडेड मटेरियल है वो जा करके धीरे धीरे समुद्र में जमा होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो इरोडेड मटेरियल है फिर धीरे धीरे सबस्ट्रेटम में ही धीरे धीरे बह करके और ये उसी पर्वत के नीचे आ जाता है, मतलब वेट का ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब वेट ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से एक अपलिफ्टमेंट होता है इस तरह से। अब आइसोस्टेसी के एग्जांपल को देखा जाए तो प्लेस्टोसीन एज में आइस एज आया था, लगभग 25,000 साल पहले वो आइस पिघल गया, स्कैंडिनेवियन रीजन जो है वो बहुत हल्के हो गए और उसमें एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। वो अपलिफ्टमेंट अब तक 900 फीट तक हो चुके हैं और प्रति साल में 1 फीट लगभग वो बढ़ जाते हैं। आइसोस्टेसी के होने के लिए 700 फीट की ज़रूरत है कि आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो आ जाए वो रीजन, और आइस कुछ इस तरह से है, वहाँ पे अपराइजिंग अपलिफ्टमेंट इस तरह से हो रहा है। थैंक यू।